उत्तराखंड में 12 नवंबर से 11 सुरंग के अंदर फंसे सभी 41 मजदूरों को 28 नवंबर को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया। डॉक्टरों की देखरेख के बाद सभी मजदूर अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। आज बिहार के 5 मजदूर पटना एयरपोर्ट पहुंचे। मजदूरों के स्वागत के लिए बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम एयरपोर्ट पर मौजूद थे। ये हमारे श्रम वीर हैं जिन्होंने देश निर्माण के लिए कार्य कर रहे थे और इन्होंने सुरंग में फंस गए, लेकिन इनके हौसले को हम लोग सलाम करते हैं क्योंकि ये बिहार के श्रमिक हैं। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में ये हार नहीं मानने वाले लोग हैं और इनके लिए पूरे बिहार का पूरे देश के लोग जो है दुआ कर रहे थे कि कब हमारे श्रम वीर जो है सुरंग से वापस आएंगे और पूरे देश जो है इनके लिए ये दुआ कर रहे थे। तो बिहार में ये लोग आए और बिहार में बिहार सरकार के तरफ से पूरा पूरी व्यवस्था करके वहाँ से यहाँ आज आप देख रहे हैं कि हवाई अड्डा पर लाया गया है और यहाँ के बाद सभी श्रमिक को उनके घर तक पहुँचाया जाएगा। सभी गाड़ी लगे हुए हैं और इनके साथ हमारे श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारी भी जाएंगे। अब सुनिए बिहार एयरपोर्ट पर आकर राहत की सांस लेते मजदूरों ने क्या कुछ कहा। 17 दिन का मंजर देखिए सर, एक दो दिन हम लोग डरे सर, लेकिन फिर हम लोग को आदत सी हो गई क्योंकि मैं ये नया नहीं, मैं इस कंपनी में 14 साल से हूँ, नयुगा कंपनी में 14 साल से हूँ। मुझे मालूम था कि प्रॉब्लम आएगा, एक दिन दो दिन दिक्कत होगा, लेट होगा, लेकिन बाहर हम लोग आ जाएंगे। जी विश्वास था। तब आप लोगों ने टीवी देखा होगा कि 41 मेंबर्स थे, किसी को एक खरोच तक नहीं आया था। आप लोगों को मालूम है, एम्स का भी रिपोर्ट कल सामने आया, किसी को कुछ नहीं हुआ है। एम्स का कल रिपोर्ट है, नैयर जो हमारा भाई जो पहुंचा, हमें मालूम चला, हमारे साला साहब भी गए थे एक, हमको बहुत ताकत मिला। ठीक है ना सर, कोई घबराने की बात नहीं सब। बाकी बिहार सरकार ने भी हमारी मदद की, वहाँ से यहाँ लेके आए। जो दिक्कत था हम लोग को फर्स्ट में 18 घंटा जो हम लोग कष्ट सहा, उसके बाद में जैसे हम लोग का ऑक्सीजन आने लगा पाइप द्वारा, फिर जो बाहर में जो हम लोग का टीम था उससे बात होने लगा, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को बाहर का सब मोमेंट मालूम चलने लगा। सरकार को क्या कहना चाहेंगे, सरकार डटी रही, सारी एजेंसीज डटी रही वहाँ आप लोगों को निकालने के लिए? सबसे ज़्यादा तो हम लोग का उत्तराखंड का धामी सरकार जो थे वो हम लोग को बहुत मदद की, हर पल का हम लोग का वो बात करते थे। बड़ी चैलेंज की बात थी साहब, 18 दिन जो हम लोगों ने वहाँ पे कष्ट किया, उसको 18 मिनट में हम तो बता नहीं सकते। फिर भी आप लोगों की दुआ है, सबकी दुआ है कि हम आज यहाँ पे हैं। केंद्र सरकार वहाँ की पुष्कर सिंह, खासकर मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हर समय हमारी सुध ली। और खासकर मेरी बात आप लोगों ने देखी होगी मीडिया के माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी से मेरी बात हुई और हमने जो आप बीती बताई, बाकी वहाँ के लोग उत्तराखंड की दिवाली जब हम लोग निकले तब हम लोगों ने देखी कि उत्तराखंड की दिवाली है, बाकी हमारे वैसे उत्तराखंड की दिवाली नहीं मनी थी।